हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका आपके ही अपने चैनल सोने स्टोरी पर तो शुरू करते हैं आज की कहानी एक पिता ने बड़े ही लाड़ प्यार से अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया सर्वगुण संपन्न होने पर तय समय पर पिता ने अपनी बेटी का विवाह कर उसको विदा किया विदाई के वक्त जब बेटी ने पिता का आशीर्वाद लिया तो बेटी को गले लगाते हुए पिता ने कहा बेटा हमारी रीत ससुराल में नहीं चलेगी वहाँ के तौर तरीके अलग होंगे इसलिए ससुराल में जाकर बड़े बूढ़ों के पास बैठकर उनसे सीख लेना बेटी जब बहू बनकर ससुराल पहुँची तो उसने देखा कि उसके पति के अलावा घर में उसकी सासू माँ और एक दादी सास थी बहू जब घर में कुछ दिन रही तो उसने देखा कि घर में दादी सास का बहुत अपमान और तिरस्कार हो रहा है अपमान की हद तो तब हो जाती जब उसकी सास उसकी दादी सास को ठोकर मार देती गाली देती और खाने के लिए भी कुछ न देती लड़की को यह सब देख बहुत बुरा लगा उसे अपने माता पिता द्वारा दिए संस्कार याद आए उसे अपनी दादी सास पर बहुत दया आई उसने सोचा घर में बड़े बूढ़ों का तिरस्कार होने से घर नरक बन जाता है मुझे अपनी दादी सास के लिए कुछ करना चाहिए उसने सोचा अगर वह अपनी सास को समझाने का प्रयास करेगी तो उसकी सास उसके साथ भी इसी तरह का बर्ताव करने लगेगी उसने खुद अपनी दादी सास की सेवा करने का सोचा अब वह रोज़ घर का काम ख़त्म करके अपनी दादी सास के पास बैठ जाती और उनके पैर दबाती कुछ दिनों बाद ही सास को बहू का इस तरह दादी सास के पास बैठना और उनकी सेवा करना अच्छा नहीं लगा एक दिन सास ने बहू को बुलाया और कहा बहू तुम घर का सारा काम छोड़कर हमेशा दादी सास के साथ क्यों बैठी रहती हो बहू को पता था कि एक ना एक दिन उसकी सास उससे यह सवाल जरूर पूछेगी बहू ने कहा माँ जी मैंने घर का सारा काम ख़त्म कर लिया है अगर फिर भी कुछ बाकी रह गया है तो काम बताइए सास बोली काम तो कुछ नहीं है लेकिन दिन भर दादी सास के पास बैठना ठीक बात नहीं बहू ने सास की बात को बड़े ध्यान से सुना और कहा माँ जी मेरे पिताजी ने हमेशा मुझे यही सिखाया है कि जवान लड़के लड़कियों के बीच कभी नहीं बैठना अगर जीवन में कुछ सीखना है तो घर के बड़े बुज़ुर्गों के पास बैठना हमारे घर में सबसे बुज़ुर्ग दादी सास ही हैं इसलिए मैं उनके पास बैठती हूँ मेरे पिताजी ने मुझे विदा करते वक्त भी कहा था कि अब वही तेरा घर है और वहीं के रीति रिवाज तुझे मानना है इसलिए मैं घर के रीति रिवाज के बारे में दादी सास से पूछती हूँ कि मेरी सास आपकी कैसे सेवा करती है सास ने जब यह सुना तो घबरा कर पूछा बुढ़िया ने क्या कहा तुझे मेरे बारे में बहू ने बड़ी ही चतुराई और शालीनता के साथ जवाब दिया माँ जी दादी सास कह रही थी कि अगर तेरी सास मुझे गाली नहीं दे और ठोकर नहीं मारे तो मैं सेवा ही मान लूँ बहू की बात सुनकर सास ने बहू से पूछा क्या तू भी मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार करेगी बहू सास के इसी प्रश्न के इंतजार में थी बहू ने कहा माँ जी मुझे पिताजी ने बड़ों के घर के रीति रिवाज सीखने को कहा था अगर घर के रीति रिवाज बुजुर्गों के अपमान करने के हैं तो मुझे भी रीति रिवाज मानने पड़ेंगे बहू का जवाब सुनकर सासू माँ को अपने भविष्य की चिंता सताने लगी उसने सोचा जैसा व्यवहार मैं अपनी सास के साथ करूँगी मेरी बहू भी वही सीखेगी और फिर वह भी मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करने लग जाएगी सास अब दिन भर इसी बात के विचार में रहती अगले ही दिन बहू ने घर के एक कोने में ठीकरी, जो खाना खाने का एक मिट्टी का बर्तन होता है वो इकट्ठा करना शुरू कर दिया घर के कोने में ठीकरी पड़ी देख सास ने बहू से इतनी सारी ठीकरी इकट्ठा करने का कारण पूछा बहू तुमने यह ठीकरी क्यों जमा की है बहू ने बड़ी ही विनम्रता से कहा माँ जी आप दादी सास को ठीकरी में ही भोजन देती हैं इसलिए मैंने सोचा कि बाद में ठीकरी मिले न मिले इसलिए अभी से ही आपके लिए ठीकरी जमा कर देती हूँ बहू का जवाब सुनकर सास घबरा गई और उसने पूछा तुम मुझे ठीकरी में खाना परोसेगी क्या बहू ने कहा माँ जी मेरे पिताजी ने कहा था कि यहाँ के रीति रिवाज वहाँ नहीं चलेंगे वहाँ की रीति अलग होगी अब जो यहाँ की रीति है मुझे वैसे ही करना होगा बहू की बात सुनकर सास ने कहा यह यहाँ की रीति थोड़े ही है तू अब दादी सास को थाली में भोजन दिया करना बहू सास की बात सुनकर बहुत खुश हुई बहू की चतुराई से अब दादी सास को थाली में भोजन मिलने लगा अगले दिन बहू ने देखा कि घर में सबके खाना खाने के बाद बचा हुआ खाना बूढ़ी दादी सास को दिया जाता था बहू उस खाने को बड़े गौर से देखने लगी बहू को इस तरह खाने को देखने पर सास ने पूछा बहू क्या देखती हो बहू ने कहा सीख रही हूँ घर में बूढ़ों को क्या खाने को दिया जाना चाहिए बहू की बात सुनकर सास ने घबरा कर कहा बेटा यह कोई घर की रीत थोड़े हैं कल से तू दादी सास को पहले भोजन दिया करना बस अगले दिन से ही दादी सास को बढ़िया भोजन मिलने लगा धीरे धीरे बहू ने सास की सारी आदतों को बदल दिया अगर बहू अपनी सास को उपदेश देती कि उन्हें बड़े बूढ़ों के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए तो सास उसकी बात कभी नहीं मानती इसलिए आज की युवा पीढ़ी को चाहिए की उपदेश देने के बजाय खुद के आचरण में सुधार करना चाहिए इसलिए कहा गया है कि बातों का असर नहीं पड़ता आचरण का पड़ता है दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर से कीजिएगा मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके आखिर तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद